लेवन करो फोन बोलो इंट्रो अच्छा मुन्ना शिव ए सिया हेलो जी, राम राम जी सारे ने, जय माता दी। और भैया तो है नवमी, सारा गर्म कन्या पूजन होया हुआ जिसने व्रत रखा है। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब अच्छी फीलिंग से अच्छी वाइब आ है जब गर्म मतलब कन्या जी मन खातर आ तो यूँ लाज था सच में साक्षात देवी माता आ गए। तो मैंने बहुत अच्छा लगे भाई, मैंने लाइफ में पहली बार व्रत रखे, सारे कौन रखे, मैंने दो व्रत रखे थे लास्ट के, पहली बार रखे पर नवरात्रा के व्रत माता रानी के। मैं हमेशा जोत जोत लगाया करूँ हूँ क्योंकि भाई मेरी इतनी श्रद्धा कौन रहे भाई, मैं नौ के नौ रखूँ। तो फिर मैं सोचू क्यों भी ना कहूँ, वो पाप की भागीदार भी क्यों बना भाई, इस तरह अगर पूरा नहीं कर पाऊँ तो फिर वो क्यों पता नहीं के मन माई माता रानी ने कुछ जान डाल दी। तो मैंने दो रखे और माता रानी का आशीर्वाद था, उनकी इच्छा थी कि भाई मैं कन्या जी माऊँ, तो फिर मैंने भाई ये काम भी कराया। और बहुत टेंशन होती, दो दिन हो गए थे मैंने किस तरह बनेगा पर माता रानी ने अच्छी सुन ली, मतलब सारा काम इतनी बढ़िया तरीक़त हो गया, बिल्कुल बढ़िया। और ये भी मेरे देवर की लड़की है हमारे परिवार में, मतलब इन्हें स्कूल में जाना था तो सबसे पहले इन्हें बुला के इन्हें मतलब भोजन करवा के इन्हें स्कूल खातर भेज दी थी। और वो भी मेरे जेठ के बच्चे हैं, दो बैठे, बीच में सिया रानी बैठी है। तो इन्हें स्कूल में जाने की जल्दी थी, इनकी तो छुट्टी थी। और जो ये देवर के हैं ना, इनकी मतलब कौन थी दोनों लड़कियाँ की, बाद में और कन्या और भी आई थी, बाद में नौ की नौ जमाई हैं और बैरू तो चार थे, पांच गिने थे कौन। और वही बस फिर कन्या पूजन अच्छी तरह हो गया और मैंने चुनरी भी मंगाई थी, जो कुछ मंगवाया था वो इन तक अच्छी तरह दे भी दिया था, मतलब कति जी राजी हो रहा था। और यूँ तो हम सोचा कि पता नहीं किस तरह की करांगे, यूँ हो जाएगा पर सारा काम बढ़िया हो जाएगा जब भगवान की मर्जी हो ना, तब तो जो काम हमें सोचा ना कौन नहीं हो वो भी ज़रूर हो जाएगा। है ये तो सच में मतलब एक शक्ति है, वास्तव में है अगर कोई माने तो। मैं तो दिल से मान्या करूँ इन सब चीज़ें ने, इन बातों ने। और वे चुनरी लाए थे, सबके चुनरी बांध दी थी, सियाने तो रखी है, एक सेकेंडे रखी थी। और ये देखो हमारी माता रानी के दर्शन कर लिया, जय माता दी जय माता दी। सारे की मतलब घर में उन्नति खुशी लिया हुई माता रानी, मन भोग लगा दिया था हमने, जोत बत्ती कर दी थी, आरती कर दी थी, उसके बाद फिर कन्या जिमाई थी, उस कन्या जिमा के ने विदा करके ने उसके बाद फिर हमने कुछ खाया था। ये है वह दोनों, मतलब इन्हें स्कूल की जल्दी थी भाई, फिर मैं चलो एक बार इनकी कर दिया। हाँ और कन्या बाद में आ गई थी, ये देखो ये अभी आने लग रहे थे, ये मेरी जिठानी खड़ी। और मैंने सारा काम भाई 3:30 बजे उठी थी, मैंने सारा निपटा लिया था, मेरा सारा काम कर लिया था, मैंने छोले बना दिए थे, पूरी बनाऊँ थी मैं 5:30 बजे में लाग गई थी, पूरी बना ली थी मैंने, खीर बना के छोड़ दी थी, फिर हलवा हलवा बस मतलब इनकी दादी तो बनवाया था भाई, थोड़ा मैंने यूँ डर था कहीं थोड़ा आइडिया सा ऊपर नीचे ना हो जाए। और ये देखो भाई अभी और जिमन लग रहे हैं, ये आगे देवी माँ सारी। तो भाई माता रानी मत यूँ कहूँ, बस आपने जितनी इच्छा था ये बुला के ना कन्या भोज करवाया मेरे कन्या, इस तरह आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर बनाए रखे, आप सबके ऊपर बनाए रखे माता रानी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी भाई सच में। ये व्लॉग में ना मतलब सारा काम निपटा के फिर भी एडिट करना है, वॉइस ओवर करूँ सॉरी, क्योंकि भजन चला रखी थी माता रानी के भी कॉपीराइट ना आ जाए इस चक्कर में, फिर मैं सोचा चलो वॉइस ओवर के थ्रू आप सब तो अच्छी तरह बात भी कर लेंगे। उस टाइम पे रिकॉर्ड कुछ अभी यो रिकॉर्ड मैं करने लग रही हूँ, कुछ पहले वाला थोड़ा सा जीत जी ने कराया था रिकॉर्ड, इस तरह करके उन्होंने हमारी वीडियो कम्प्लीट करी है। जब इतना टाइम लगा था तो ये बनाओ थे, मैंने लगा था मैं बनाऊँ थी, मैंने सोचा भी चलो आप सबका साथ शेयर करना तो बना है भाई, दिखाना भी चाहिए सारी बात शेयर करना, तो वो माता रानी का दरबार देख लियो। तो फिर देखो ये सारे बैठे जिमन लग गए थे और अच्छी तरह इनकी विदाई कर दी थी मैंने, जो भी हमारी श्रद्धा थी भाई, जो भी हमारा हाथ कुछ दान होया, जो भी हमारा दिया गया, और सबके मैंने आशीर्वाद ले लिया था, पैर छू लिए थे भाई। एक बात है मतलब इतनी ज़्यादा सुकून और शांति मिली थी ना, वास्तव में बहुत अच्छी फीलिंग आओ थी। मैं दोनों माँ शेरा वाली सब पे अपनी कृपा रख भाई, मैं बार बार ये बात इसलिए बोलो क्योंकि मतलब मन में पॉजिटिविटी आ जाए ना, जब इंसान अच्छी अच्छी वो बार बार वही बात बोलिया करे हैं, तो ये देखो मेरा ही हो जाए, बस कोई भूल नहीं हो जाए, भूल नहीं हो जाए, वही ऑर्डर हो रहा था मेरा। और सच मानो मैंने रात में नींद भी को नहीं, कम से कम 1:30 बजे सोई होगी, मैं मारी गई मस्कोड़े इन्हें तीन, मेरा ही हो रहा था बस उठना है। फिर अलार्म बाजी बाद में मैं 3 बजे उठ ली, 3:30 की अलार्म थी, फिर भी यूँ करते 3:30 मैंने उठने में हो गए थे। उसके बाद में फिर फटाफट झाड़ू पोचा नहाना सब कुछ कराया मैंने जल्दी, फिर इन भी साथ में भाई सारा काम करवाया, मतलब
जो भी मंदिर वगैरह में साफ सफाई जोत बत्ती सब कुछ साथ में मिल के कर लिया था, बहुत अच्छी तरह हो गया था। और ये भैरव बाबा इन्हें मेरी सासू माँ बांटने लाए थे प्रसाद और पैसे दिए थे, तो वे भैरव भी हमारे चार पांच आ गए थे माता रानी का सिद्धि। तो जो भी आए हमने आदरतें भी बिठा के जो हमारा तब हमने खुआ पिया कि ने सारे अच्छी तरह थे सारे की विदाई करती थी। और ये मैंने सारे यहाँ का आशीर्वाद ले उठी अपने अपने आँचल में भाई, सबका आशीर्वाद माता रानी का आशीर्वाद मेरे साथ मेरे घर में रहेगा इस खातर विदाई कर दी हमने सबकी। और बस ये कहूँगी सारे कमेंट में जय माता दी बोल दिए भाई। हेलो जी, जय माता दी। तो भाई आज हो गया है सारा काम सुथरी डालते हैं पूरा, कन्या जी माँ दी हैं माता रानी का आशीर्वाद दें, सारा काम अच्छे से हो गया बिल्कुल सुथरी डालते सारे कन्या जी मुझे बनाई थी पूरी हलवा छोले और खीर भाई, माता रानी का प्रसाद ही होगा आप सब ने दिया इस बात का। सारे कमेंट में जरूर जय माता दी लिख दियो और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसने लाइक कर दियो ठीक है। अरे बच गई थी भाई ये थोड़ी सी बच गई थी, सुबह पूरी बनानी आती हमने छोड़ दी थी बीच में भाई, कन्या जी बनानी जरूरी थी तो इसी मतलब बनी। सारे सारे ने जीम भी लिया, कन्या भी जीम ली, फिर मैं खाया तेल भी बच रहा कटाई में और ये बच रही है मैं इनकी पूर्ति कर दिया, हाँ शाम में खा लेंगे। तो किसी के लागी वीडियो ज़रूर बता दियो और कमेंट कर दियो भाई, सच में थकान छू रही आज तो हम देश यूट्यूब टाइम क्यों दो दिन हो गए अन्न कौन खाया बिल्कुल भी, तो आज एक दिन खा लिया ना साझा हो रहा। तो ठीक है भाई, जय करा शेरा वालिदा और माता रानी अगले साल फिर आइए हमारे घर में, उन्नति दिए तरक्की दिए आप सबका घर परिवार में सुख समृद्धि दिए माता रानी। इसी के साथ इसे लोग की एंडिंग करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा राम राम जी सारे में।